मैं अनुराधा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बी सिंपल अनु में। आज मैं आप लोग लेकर आई हूँ हेयर से रिलेटेड, क्योंकि मैं अभी अपने बालों को ट्रिम कर रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए भी वीडियो घर में बाल कैसे ट्रिम कर सकते हैं, आज मैं उसी की वीडियो लेकर आई हूँ। तो ज्यादा देर नहीं करते और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आप देख सकते हैं कि बाल मेरे काफी लॉन्ग हो गए हैं, लेकिन ये छोटे बड़े हो रहे हैं। इनकी जो लेंथ है वो छोटी बड़ी हो रही है, जो कि देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, स्पेशली तब जब हमें कहीं फंक्शन में जाना है और बाल हम अपने स्ट्रेट करते हैं ना, तो ये लेंथ इनकी कहीं छोटी कहीं बड़ी होती है, वो अच्छी नहीं लगती। तो आप कैसे इनको घर में ट्रिम कर सकते हैं, आज उसी की वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बालों को हम कोम कर लेंगे बहुत अच्छे से, इनकी जितनी भी गुलझन है वो सब निकाल लेंगे। और ये उसी दिन करना है आपको जिस दिन आप बालों में शैम्पू करेंगे। शैम्पू जिस दिन करना है उसी दिन आप ट्रिम कीजिएगा, उस दिन बाल बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे बाल एकदम स्मूथ आपको नजर आ रहे होंगे। मैंने शैम्पू किया, कंडीशनर और थोड़ा सा हेयर सीरम भी बालों में अप्लाई किया है। बिल्कुल सूखे नहीं है, हल्के से गीले बाल है। 90% जो है बाल सूख चुके हैं, बट अभी 10% बाल अभी भी गीले हैं। तो सबसे पहले अपने बालों को हम अच्छे से कोम कर लेंगे, उसके बाद हम सारे बालों को पीछे करेंगे और पीछे कर लेंगे अच्छे से कोम से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूं इस तरह से। फिर हम यहां से बालों बिल्कुल जहां पर आप मांग निकालते हैं सेंटर में, वहां से हम कोम को इस तरह से लेके और बालों को दोनों तरफ आधा आधा कर देंगे इस तरह से। अब देख सकते हैं बिल्कुल सीधे हुए हैं हमारे बाल इस तरह से। अब यह कोम अच्छे से कर लेंगे दोनों साइड। उसके बाद जो कोम का जो नुकीला वाला हिस्सा है, इसी को हम यहां पीछे की साइड लेके जाएंगे, जहां से हमारी ये मांग खत्म होती है यहां पर रखेंगे और इसको पीछे तक लेकर के जाएंगे। मैं आपको दिखा देती हूं इस तरह से, और आप देख सकते हैं कि पीछे से भी हमारी जो है एकदम सीधी मांग निकल के आई है इस तरह से। उसके बाद दोनों तरफ के जो हेयर है हम अच्छे से कोम कर लेंगे, बिल्कुल कहीं भी एक भी उलझन जो है वो रहनी नहीं चाहिए इस तरह से, तभी बाल अच्छे से आपके इक्वल होंगे, वरना कोई छोटे बड़े ऊंचे नीचे हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से हमने कोम कर लिया है और पीछे से और आगे से बिल्कुल हमारे जो बालों की मांग है आप देख सकते हैं वो सीधी ही निकली है इस तरह से। अब कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं करना है। एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस तरह से बालों को कर रहे हैं तो आप ऐसे ही रखिएगा। इस बात का ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि इस तरफ के बाल आपके कान के पीछे चले जाएं और इस तरफ के बाल आप इस तरह से सीधे रखें, बाल छोटे बड़े हो जाएंगे, लेंथ उनकी प्रॉपर नहीं आएगी। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो दोनों साइड कान के पीछे होने चाहिए, और अगर कान के पीछे नहीं है तो दोनों ही साइड के बाल आप इस तरह से आगे की तरफ रखिएगा, तभी आपके जो बाल हैं वो बिल्कुल प्रॉपर एक लेंथ में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बाल अच्छे से हो गए हैं, मैं भी कान के पीछे नहीं कर रही हूं। उसके बाद जितनी आपको लेंथ इसमें से कट करनी है इस तरह से आप देख सकते हैं यहां पर, और इतने हिस्से में जितने बाल हमें कट करने हैं ना, मैं आपको दिखा देती हूं, जैसे मुझे इतने बाल कट करने हैं तो उतने ही बालों पर हम यहां पर एक बैंड लगा देंगे इस तरह से। ये हमने एक रबर बैंड इसमें लगा दिया। आप देख सकते हैं कि इतने बाल मुझे कट करने हैं। आगे से एक बार बालों को सेट जरूर कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि बाल एकदम, आप थोड़ा सा खींच के देखेंगे दोनों साइड के जो बाल हैं आप देख सकते हैं कि खींचने के बाद बिल्कुल इक्वल लग रहे हैं। तो उस जितनी लेंथ आपको काटनी है उतनी लेंथ आप इसमें से कट कर दीजिए। मेरे पास कैंची भी है तो यहां से हम इसकी जो लेंथ है वो कट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसकी जो लेंथ है यहां से कट कर लेंगे। पहले थोड़े ही काटिएगा, ज्यादा नहीं। मैं आपको दिखाई दे रही हूं कितने बाल कट किए हैं आपने, इतने से बाल मैंने कट किए हैं आप देख सकते हैं लेंथ। तो इतने बाल कट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारी रबर है आप देख लीजिएगा कि कहीं छोटे बड़े तो नहीं हुए, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि ऊंचे नीचे हैं तो आप हल्का सा बालों को सेट कर लीजिएगा इस तरह से। अब हम इसमें से जो रबर बैंड हमने लगाया हुआ था वो निकाल देंगे और बालों को देखते हैं, एक बार फिर से कोम कर लेंगे अच्छे से। ये देखिएगा दोनों तरफ के बालों को हम अच्छे से कोम कर लेते हैं और एक बार
फिर से हम चेक करते हैं कि दोनों बालों की जो लेंथ है वो इक्वल आ भी रही है कि नहीं। अब आप देख सकते हैं कि दोनों बालों की जो लेंथ है वो आपको इक्वल ही नजर आ रही है। अगर आपको लगता है कि छोटे बड़े हैं तो फिर से आपको वही करना है, एक रबर बैंड की हेल्प से आपको उनको बांधना है। और अब मैं पीछे की साइड इन बालों को कर रही हूं और पीछे की साइड से भी आप देख सकते हैं कि ये कितने छोटे कितने बड़े बिल्कुल इक्वल हुए हैं या छोटे बड़े तो नहीं हुए। अच्छे से पहले हम बालों को कॉम कर लेंगे इस तरह से। अब आप देख लीजिएगा बाल इक्वल हुए हैं ना। बहुत आसान तरीका है, बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं इस तरीके से। अपने बालों को घर में ही आप ट्रिम कर सकते हैं। मैं तो अपने बाल ऐसे ही ट्रिम करती हूँ, बहुत आसान तरीका है और काफी अच्छे हम पैसे भी बचा लेते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।